शिव के दरवेश चैनल विच तुहाडा बहुत बहुत स्वागत है जी। आशा है तुसी सब ठीक होवोंगे। अज दी आपां इस वीडियो दे विच साईं सरकार दा तां लाडी शाह सरकार जी ते उहनां दे एक मुरीद दा किस्सा तुहाडे नाल सांझा करांगे जी। इह किस्सा सानूं एक वीर ने साडे नाल इंस्टाग्राम उपर सांझा कीता जी। इह किस्से नूं तुसी ध्यान दे नाल सुणियो ते बाद दे विच कमेंटां दे विच जरूर दस्सियो कि तुहाडे नाल भी इदा कदी होया। तो समा ना खराब करते हुए सीधा वीडियो वाल चलते हैं जी। जिस वीर ने एक किस्सा साडे नाल इंस्टाग्राम उपर सांझा कीता जी उन्हां दा नाम हरविंदर सिंह है। फिरोजपुर शहर तो रहन वाले ने उन्होंने सानू दस्या कि सब तो पहला जय साईं जी दी। वो वीर दसदे ने कि वीर पहला मेरी गल ध्यान दे नाल सुनियो ते फिर अपनी राय जरूर दियो। अज तो 7-8 साल पुरानी गल होवेगी, हो सकता 10 साल भी पुरानी गल होवे, पर मैनू प्रॉपर चंगी तरह ये गल याद नहीं आ कि कदों दी आ। वो वीर कहिंदा कि मैं बहुत ही ज़्यादा उस वक्त परेशान रहिंदा सी। उदों वो वीर कहिंदा मेरी उम्र 14-15 साल होवेगी, घर दे विच गरीबी सी, काम कार मेरे को है नहीं सी, जो भी मेरे पिता जी कमाउंदे उसे दे नाल ही साडा कहिंदे घर चलदा सी। साडा घर कहिंदे बहुत ही छोटा सी, असी सारी फैमिली कदे छत ते पै जांदे सी, कदे घर दे बाहर थोड़ा जिहा थां सी उत्थे पै जांदे सी। एक दिन वो वीर कहिंदा कि असी घर दे बाहर पए होए सी, साडा एक रिश्तेदार आया, तां वो रिश्तेदार साढ़े इत्थे कहिंदे नज़दीक ही रहिंदा सी, तां उन्हें वैसे ही साढ़े घर गेड़ा मारिया, तां असी बैठे हुए सीगे, तां आके उन्होंने सानू पहला हैलो हाय कीती, तां बाद दे विच असी उन्हां नूं पुछिया कि अज किवें इधर गेड़ा मार लिया, तां उह कहिण लग गए कि असी कल नकोदर जाना है दरबार, तां असी कहिंदे थोड़ा जिहा समान बाजारों लैना सी ते उह लैण आए आ। तां उह वीर कहिंदा कि मैं सुनिया सी कि नकोदर लाडी साई ने, विक्की साई ने, पर मैं कहिंदे कदी गया नहीं सी। तां मैं अपने रिश्तेदार नूं कहा कि यार मैं भी चलना कल नूं तुहाडे नाल, तां मेरे रिश्तेदार कहिंदे कि हाँ जरूर चल पिओ तुसीं साडे नाल। तां उह वीर कहिंदा मैं अपने रिश्तेदार नूं पुछिया कि उत्थे है की, तां उह वीर कहिंदा साडे रिश्तेदार ने मैनूं दस्या कि उत्थे गुरदास मान साहब भी सलाम करन आउंदे ने, होर उत्थे बहुत सारे सिंगर सलाम करन आउंदे ने, ते नाल ही नाल उत्थों दा जो माहौल है वह होर किते नहीं मिल सकता। नकोदर दरबार दियां उन्होंने बड़ियां गल्लां मैनू दसियां कि उत्थे जाके जो भी चीज़ आपां मंगदे आ, आपां मुराद मंगदे आ, वह पूरी हो जाती है। तो उन्हां दियां गल्लां सुन के मैं पक्का मन बना लिया कि मैं कल इन्हां दे नाल ही जावांगा। सारी रात वह वीर कहिंदा कि मैनू नींद नहीं आई, मैं सिर्फ यही सोची गया कि कल मैं नकोदर दरबार जाना। नकोदर दरबार दियाँ वो जो उत्थे दरबार सी वो मेरिया अखा सामने आई गया। तो वह वीर कहिंदा सुबह हुई असी नकोदर दरबार गए, उत्थे सलाम कीती, सलाम करके कहिंदे मन नूं बड़ी शांति आई। सलाम करन तो बाद कहिंदे असी घर वापस आए। उस तो बाद वो वीर कहिंदा मैं 5-7 साल नकोदर दरबार नहीं गया, फिर विचों साई जी की कृपा हुई मैं 1-2 बार नकोदर दरबार गया, फिर कहिंदे 3-4 साल मैं नकोदर दरबार नहीं गया। फिर एक दिन वो वीर कहिंदा कि मैं अचानक पता नहीं मैनू की होया, मैं रात सुत्ता पिया सी, मेरे सुपने दे विच साई जी आए, साई जी ने आके कहिंदे मैनू थापी दित्ती ते अपने नाल तोर लिया। अगले दिन वो वीर कहिंदा कि मैं नकोदर दरबार गया, ते हुण चल रहे दिनां दे विच ओ वीर कहिंदा कि मैनू काफ़ी समा हो गया दाता जी ने अपने नाल जोड़िया होया, मेरा कोई भी नुकसान हो ना होवे, कोई भी फायदा होना होवे, दाता जी दी रहमत दे नाल मैनू कहिंदे पहलां पता थोड़े जे संकेत मिल जांदे ने, भाव के पता लग जांदा है। कई बार दाता जी सुपने दे विच आ जांदे ने, या कई बार कहिंदे मैनू पता ही कुछ इदां दा लग जांदा है। मैं उस चीज़ नू वो वीर कहिंदा लिख के बयान नहीं कर सकता। वो वीर कहिंदा
कि साई जी ने मैनू अपने नाल इस तरह जोड़िया होया कि मेरे घर का खर्चा सब कुछ साई जी चलाउंदे ने। मैनू इदा लगता है कि मैनू कुछ करन दी लोड़ ही नहीं। मैनू ये लगता है कि मेरा साई जी नाल पिछले जन्म का संबंध है। कि इदा हो सकता किवें पता लगेगा कि मेरा साई जी नाल पिछले जन्म का संबंध है? वो वीर कहिंदा कि इस सवाल का जवाब मैनू अज तक नहीं मिल पाया। तुसी अपनी राय कमेंटा विच जरूर दिओ। ए सी उस वीर का किस्सा। जेकर तुहानू वीडियो चंगी लगी तो वीडियो नू लाइक करो ते वीडियो नू वध तो वध शेयर जरूर करो ता जो जिथे भी दाताई दे आशक बैठे आ उन्हां दे मरीद बैठे आ उन्हां तक वीडियो पहुँच सके जी। ते तुहाडा अपना चैनल शिवका दरवेश जरूर सबसक्राइब करो ते बैल नोटिफिकेशन जरूर ऑन करो जी ता जो आने वाली वीडियोज़ तुहानू सब तो पहला मिल सकन। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।